मुझसे सुबह 2 बजे फोन करके कहा कि ओएसी साहब पुजारी जी को कोविड हो गया है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, अस्पताल में कोई बेड नहीं मिल रहा। तो हमने आधे घंटे के अंदर वो पुजारी जी को अपने अस्पताल असरा हॉस्पिटल में उनको बेड दिलाया, उनका पूरा इलाज करवाया और वो शिफायाब होकर निकले। बताओ फिर दुर्गा परस कौन है? फिर उसी मंदिर के पुजारी के लोगों ने हमसे आकर कहा कि आप सब काम कराते हैं, मंदिर को सरकार से बोलकर पैसे दिलाइए। तो मैंने अकबरुद्दीन अवैसी से कहा कि अकबर जाओ असेंबली में इस मसले को उठाओ। और अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना की असेंबली में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से इस बात का मुतालबा किया कि लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 3 करोड़ रुपये चीफ मिनिस्टर मंजूर करो। तो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर खुश भी हुए और ताज्जुब कर रहे थे कि आप ये कह रहे हैं। तो अकबर ने कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे, हमारी लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। कोई मंदिर में घंटी बजाए, कोई मस्जिद से हयालत सलाह हयालत फला की सदाएं दे, कोई गिरजाघर को आबाद करे, कोई गुरुद्वारे में अपना जो मजहबी त्योहार अदा करे। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भारत की राजनीति में सबको अपना अपना हिस्सा मिले। हम ये नहीं चाहते कि हम गरीबी और कस्मा कुर्सी के आलम में पड़े रहें और दूसरे इतना तरक्की करें कि वो आसमानों पर पहुंच जाएं और हम नीचे रह जाएं। ये हमारी लड़ाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों।